हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो रहा है। आज व्लॉग जो है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। अभी शाम के आई थिंक 5:30 या फिर 5 बज रहे होंगे, इतना ही टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पे अभी मैंने गई हूँ, जो हमारा डाइनिंग एरिया है वहाँ पर मैंने कर्टेन वगैरह जो हटा दिए हैं, क्योंकि दिन में हम लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, धूप की वजह से, और शाम को खोल देते हैं। मैंने खिड़कियाँ भी खोल दी ताकि जो फ्रेश हवा है वो घर के अंदर आ पाए, मतलब उस एरिया में आ पाए। और उसके बाद ये कुछ कपड़े थे वॉश करे हुए, सूख चुके हैं, इनको मैं अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। और सिया भी यहीं पर है, वो दादी के मोबाइल में चिपकी हुई है, तो मैंने अभी अभी उसको फ़ोन दिया था, इससे पहले नहीं दिया था, तो थोड़ी देर वो देख लेगी, फिर मैं फ़ोन उससे ले लूँगी। और बस कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ और उसके बाद दूसरे काम जो है वो स्टार्ट कर देते। और आज हमारे घर में ना हमारे जो चाचा चाची हैं गांव से, वो भी आए हुए हैं। वैसे तो पहले वो दूसरे चाचा जी हैं हमारे ना, बड़े चाचा जी जो हैं उनके यहाँ गए हुए थे, और फिर वो हमारे घर आए हैं। और वो गांव से काफ़ी का मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों बाद वो आए हैं। तो वो आए थे, दिन में लंच वगैरह जो है वो किया था, और उसके बाद इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि होता है घर में कोई आता है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद वो पल्टन मार्केट जो है वो घूमने गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी यहाँ पर पल्टन मार्केट आए हैं वो, लेकिन उन्होंने पल्टन बाज़ार जो है देखा नहीं है कभी। तो मम्मी के साथ गए हैं, चाचा जी भी गए हैं, चाची भी गई हैं, तो वो वहाँ से घूम कर आएंगे अच्छे से। और वो मुझे ही बोर थे, लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोग चले जाओ, मैं तब तक जो है खाने की तैयारी वगैरह कर लूँगी। तो मैंने जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर लिए हैं यहाँ पर, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि इतनी गर्मी है कि मेरे से उस कुर्ती में रहा ही नहीं गया, तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर दिए। और आज मैं डिनर पर बना रही हूँ फूल गोभी। तो फूल गोभी ये अभी नई नई आ रही है मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। लेकिन वही है, चाहे साफ़ हो चाहे ना हो, तो लेकिन हम लोग इसको नमक के पानी में डिप करके रखते ही रखते हैं, गर्म पानी में। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से छांट के इसको अच्छे से कट कर लूँगी। और मैं इसके ना छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े बड़े भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़े पहले मैं करती थी ना वो पकती ही नहीं थी, तब से मैंने जो गोभी के टुकड़े हैं छोटे छोटे से कर दिए पीसेस। और आज मैं एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हो सकता है इससे पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हो रेसिपी। तो यहाँ पर पानी जो है वो गर्म हो गया था, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये जो फूल गोभी है इसको डिप करके रख दूँगी। तो जब तक वो वहाँ पर डिप हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं आलू, मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। आलू तो खैर अपनी मर्जी है, लंबाई में कट कर लो या इस तरीके से कर लो या जैसे भी आप लोग करते हो। तो पर पानी में इसलिए इसको मैं कट कर रही हूँ ताकि ये काले ना पड़े। तो सारे के सारे आलू जो है मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ सब्जी के लिए मैंने सारी ही चीज़ें रेडी कर ली हैं, जैसे कि जो गोभी थी उसको मैंने निकाल दिया है एक बास्केट में, आलू भी मैंने हटा दिए हैं, प्याज आप देख रहे हो कट करे हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्याज कट करे हैं 2 टाइप के, और लहसुन है, टमाटर है। ये मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 7 बजने वाले हैं, 7:45 हो रहे हैं। और आज मैंने इधर वाली खिड़की, मतलब एक दिन तो मम्मी ने खोली थी ये, मतलब बीच बीच में मम्मी एक खिड़की खोल देती हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से ना हवा आती है। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन आज बहुत गर्मी रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी तो रोज़ ही है लेकिन आज बहुत गर्मी हो रही थी सुबह से ही, मतलब ऐसे पसीना पसीना, वो जो उमस जैसी होती है ना, ऐसी वाली गर्मी हो रही थी। और अभी क्या बोलते हैं ना, आज हमारे चाचा चाची भी आ रखे हैं, गाँव से आ रखे हैं, काफ़ी साल बाद आए। तो वो उधर थे, मतलब जो बड़े चाचा जी हैं उनके आए थे, तो फिर वो इधर भी आए मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी, मतलब पता नहीं कब वो हमारे घर आए थे, मुझे याद भी नहीं है। तो उसके बाद अब वो आ रहे हैं, तो वो आए, फिर चाची बोल रही थी पल्टन बाज़ार जाना है तो वहाँ पे घूमना है, क्योंकि चाचा जी तो आते रहते हैं बीच में, लेकिन वो कभी घूमे नहीं होंगे पल्टन बाज़ार ना। तो फिर मम्मी के साथ, मम्मी बोल रही थी तू चले जा, फिर मैं कहा मम्मी आप चले जाओ, मैं खाना खुना देख लूँगी फिर ना। तो मम्मी, चाचा, चाची सब गए हैं पल्टन मार्केट घूमने के लिए। और पता, जैसे ही वो निकले ना बारिश शुरू हो गई, और वहाँ अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी, फिर अभी रुकी हुई है, बादल बोल रहे हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जिस दिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस दिन बारिश तो होती है, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी उमस जैसी हो रही है। तो फिर मैंने ना अभी शाम को ये वाली खिड़की खोली थी दोनों, ताकि थोड़ा सा हवा आ जाए, मतलब चलेगी हवा तो आ जाएगी अंदर। और आज है, आज क्या, ट्यूसडे, हाँ आज ट्यूसडे है, और आशी और सिया की 3 दिन की छुट्टी है, उनके स्कूल में कुछ है, स्पोर्ट्स का कुछ है उनके स्कूल में ना, तो इस वजह से उनकी छुट्टी है, तो वो छत में गए हैं, छत में बहुत अच्छी हवा चल रही है इसलिए। और मैं यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। ये
तो सब्जी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है मैंने कढ़ाई में, और इसको गरम कर जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें जो फूल गोभी के पीसेज हैं वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेल में नहीं, बहुत आप देख रहे हो बहुत कम ऑयल में मैं ये सब कर रही हूँ। और जब तक इसमें किसी से ब्राउन ब्राउन स्पॉट से या जैसे हमें लगे कि ये 80-90% या मतलब 70-80% तक कुक हो गई है तो हम इसे हटा देंगे। मैं इसको अच्छे से पलट पलट के इसको ढक कर बीच बीच में चेक करती रहूँगी, और जब जैसे कि मैंने आपको बताया वैसी हो जाएगी गोभी तो मैं इसे हटा लूँगी, और सेम ऐसी फिर मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो जब तक गोभी वहाँ पे फ्राई हो रही है तब तक यहाँ पे एक छोटा जार ले लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने सूखा धनिया जो दाने वाला होता है ना, मतलब वो साबुत जो होता है क्या बोलते हैं साबुत धनिया वो, और 3 हरी मिर्ची ली है 1 बड़ा चम्मच के बराबर मैंने इसमें जीरा ऐड करा है, और लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया, साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो गोभी जो है अच्छे से पक चुकी है, मतलब पक चुकी है मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा ये गोभी हो चुकी है। तो अब इसको एक प्लेट में मैं निकाल दूंगी, और सेम ऐसी जैसे गोभी फ्राई करी थी सेम ऐसी आलू को भी मैं फ्राई कर लूँगी थोड़े से ऑयल में। और जैसे आलू में भी बाहर से एक क्रस्ट जैसा आ जाता है या फिर ब्राउन जैसे हो जाते हैं ना, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे, और इससे क्या होता है ना थोड़ा सा गोभी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। वैसे तो इस तरीके से मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ऑयल लगता है, लेकिन जब घर में कभी कभी कोई आता है तो अच्छा सा बनाओ तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ आज। तो आलू भी हो चुके हैं, और उसी सेम कढ़ाई में मैंने अब लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है। इसको गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद इसमें मैंने 3 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 छोटी हरी इलायची ऐड कर दी है। जीरा मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो प्याज के साथ ही कर दिया था ना, उसको पीस दिया था इसलिए। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको कि स्लाइस में कट करा हुआ है, इनको अच्छे से भून लेंगे जैसे कि ये डार्क ब्राउन ना हो जाएं तब तक इनको भूनना है। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, मसाले तो वही बहुत सिंपल वाले जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे घर में वो ही इसमें ऐड करना है, जैसे कि हल्दी पाउडर, और साथ में मैं इसमें करूँगी लाल मिर्च, ये है कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए। धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि धनिया हमने ऑलरेडी पहले से पीसा हुआ है इस वजह से। तो इसको प्याज के साथ ही मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद जो प्याज लहसुन मिर्च धनिया जीरा जो भी हमने पेस्ट बनाया था ना वो आप इसमें ऐड कर देंगे, और इस मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे ढककर ताकि जो मसाले हैं प्याज का पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए, उसका रॉ स्मेल भी चले जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अच्छे से वो जो प्याज का पेस्ट था वो भी पक गया है। तो यहाँ पर टमाटर थे, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी क्योंकि अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं कराया ना इसलिए। तो नमक मैं अभी सारा ऐड कर दूंगी, बाद में मैं मतलब अभी एकदम से कर दूंगी, बाद में फिर मैं चेक भी नहीं करूंगी क्योंकि फिर बाद में ढंग से मिल नहीं पाता है इस वजह से। तो बस इसको ढक के पकाएंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऑयल है वो किनारे में से रिलीज़ होने लग गया है। तो बस यहाँ पर जो मसाला है वो रेडी है, अब जो गोभी और आलू फ्राई करे थे ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और आप इस तरीके से बनाइएगा काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसी सब्ज़ी के साथ ना क्या होता है दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको ना 1 मिनट तक चलाना है मसाले के साथ अच्छे से, क्योंकि जो गोभी है ना उसमें मसाला अच्छे से लग जाए, इसलिए 1 मिनट तक इसको भूनेंगे मसालों के साथ, और फिर इसमें 1 ग्लास के लगभग 1 ग्लास के बराबर पानी जो है वो ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने के बाद हल्का सा मिलाएंगे और इसको ढककर पकाएंगे जब तक कि ये पूरी की पूरी कुक ना हो जाए और हमें लगे कि हाँ सब्जी बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है ऐसा ही हमें चाहिए था, तब तक इसको पकाएंगे। लास्ट में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, बस अब इसको ढककर पकाना जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए।
अचार और इतना अचार ख़त्म होने को है, मतलब इतना थोड़ा मैंने भर दिया है इसमें क्योंकि इसमें ख़त्म हो गया था अचार आज, तो इसमें भर दिया है और बहुत बढ़िया हो रहा है। पता नहीं, तो इतना बड़ा डब्बा ना बार बार खोलना पड़ता था, तो इसलिए इसमें से मैंने इसमें करा। अभी फिर एक बार ख़त्म हो गया, ये सेकेंड टाइम का है, तो इसमें अच्छे से मतलब जिसको देना है निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें ये है और इसमें मैं बड़ी इलायची रखती हूँ, तो बड़ी इलायची बस अब ख़त्म ही है, तो मैंने ये सॉस के पाउचेज है ना वो रख दिए इसमें, तो ये है इसके अंदर। तो पहले सभी किचन वगैरह मुझे क्लीन करना है अच्छे से, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह हुआ है, टाइम अभी 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, तो बस किचन वगैरह सब क्लीन करती हूँ मैं अच्छे से। और मुझे ये भी क्लीन करना है, लेकिन अभी रुक कर देखूँगी मैं, क्योंकि मुझे अपना वीडियो भी एडिट करना है इसलिए। तो बस सारा किचन जो है साफ़ कर देती हूँ, ये धुले हुए बर्तन हटा देती हूँ पहले यहाँ से। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Good evening everyone. तो शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं और अभी मैं चाय बनाने जाऊंगी। और मैंने आपको बताया था ना चार चाची आ रखे हैं, तो आज दूसरे जो हमारे चाचा चाची हैं जो छोटे हैं उनके यहाँ जा रखे हैं। तो मतलब हमारे फैमिली में बहुत सारे चाचा चाची हैं, मम्मी सबसे बड़ी है, मतलब हमारे जो फैमिली है उसमें मतलब जो जेठानी बोलते हैं ना मम्मी है, बाकी सब चाची ही है हमारी। तो आज एक दूसरी चाची है जो बांडूवाला में रहते हैं ना उनके यहाँ जा रखे हैं, वो तो मॉर्निंग में चले गए थे, अब वो शायद आने वाले होंगे, तो दिन में खाना वगैरह वहीं पर खाया उन्होंने। मैंने झोली बनाई थी आज और मैंने फिर दिन में कोई भी ब्लॉग जो कंटिन्यू करा, एक्चुअली मैं आशी और सिया को पढ़ा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके एग्जाम्स आने वाले हैं, 18 तारीख से इनके एग्जाम है, तो थोड़ा सा मैं वो पढ़ा रही थी, तो वही पढ़ाते पढ़ाते 12 बज गए। फिर उसके बाद मैंने आज झोली बनाई थी, खाना खुना खाया, फिर थोड़ा रेस्ट करा, वीडियो एडिट करा, अपलोड करा, तो फिर बीच में कुछ भी शूट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो इसलिए मैंने कहा। अब मैं सो भी गई थी, मतलब दिन में ना कुछ या तो गर्मी में शायद होता है, आप लोग भी शायद आप लोग की भी आँख लग जाती है, कि मेरे साथ भी सेम ऐसे ही होता है, मतलब मैं भी सो जाती हूँ थोड़ा सा, 5-10 मिनट अगर बच्चे बीच में डिस्टर्ब करने ना आए तो फिर मैं भी सो जाती हूँ, और गर्मी ऐसे हो रही है पसीना पसीना सा आ रहा है। तो मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और आशी ट्यूशन गई है, वो तो 5:30 तक आएगी, 5:30 तक आएगी वो, सिया अभी सो के उठी है, और अब मैं जाऊँगी किचन में थोड़ा चाय चाय बनाती हूँ। दिन के बर्तन है आज, बर्तन पता नहीं क्यों इतने सारे हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बर्तन हो रखे थे आज, तो वो सब वॉश करे हुए वो मैं उनकी जगह पे लगा देती हूँ, कैंडी को घुमाना है मुझे अभी, और बस यही थोड़े बहुत छोटे छोटे काम वो कर करके ना आज ब्लॉग पे कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई मैं। और अब मैं आप सबको फिर से बिल्कुल बहुत सारा जितना भी मतलब मैं थैंक यू शब्द भी बहुत कम होगा, आपने सिया को इतना सारा आशीर्वाद कर दिया। आपको पता है मुझे नॉर्मली जो मेरे ब्लॉग्स आते हैं उनमें इतने कॉमेंट लोग नहीं करते हैं, ऐसे लोग करते हैं जो मुझे रोज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ स्पेशल डे होता है हमारी लाइफ में उसमें आप लोग अपना पूरा का पूरा योगदान देते हो, मतलब अपना पूरा का पूरा प्यार देते हो अपना, और तब मुझे पता चलता है कि इतने लोग हमें प्यार करने वाले, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कॉमेंट्स आते हैं, आपने सिया को इतना सारा प्यार दिया अपना, इतना सारा आशीर्वाद दिया, मतलब जिन जिनके मैं नाम पढ़ रही थी वो पहली बार, किसी किसी के नाम पर पहली बार पढ़ रही थी, मतलब आप लोग ब्लॉग्स देखते हो लेकिन जितना स्पेशल डे होता है, कुछ अच्छा दिन होता है तो आप लोग हमारे साथ हमेशा रहते हो, तो आप सभी का थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए सिया के बर्थडे में, मतलब मैं कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, इतने कमेंट्स आए हैं, तो मैं यहीं पर आप सबको थैंक यू बोल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली मैं लिखने जाऊँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर घर के काम भी होते हैं तो आप लोग समझ सकते हो, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर थैंक यू बोलूँगी कि आप सबने सिया को बहुत सारा अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो हमारी फैमिली के हैं, ये हमारी फैमिली के हैं, ये हमारी फैमिली है, तो इस तरह से बोलते हैं ना, लेकिन आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, मतलब मैं आपको कैसे बोलना नहीं जा रहा है बेटे, मतलब
आप लोग भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा ही हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो हमारी फैमिली है, उधर रहती है हमारी फैमिली, उधर रहती है या जहाँ हम रह रहे हैं ये हमारी फैमिली है। लेकिन आप लोग आप लोग मुझे देख लेते हो, हमारी फैमिली को देख लेते, लेकिन मैं आपको नहीं देख पाती। फिर भी आप लोग हमसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो, इतना ज़्यादा दिल से, दिल का रिश्ता है हमारा। तो मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली हमें मिली है। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। Wanna set me free? You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the तो यहाँ पे हमारी फिशेस बहुत दिनों बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो लाइट है ना वो ख़राब हो रही थी, तो ये लाइट ऑफ ही रहती थी इसमें। तो ये देखो हमारी प्यारी प्यारी फिशेस, ये देखो टाइम मैंने आपको दिखा दिया, 6 बज रहे हैं। और इधर के पर्दे वगैरह भी मैंने खोल दिए, दिन में बंद कर देती हूँ, धूप बहुत तेज थी इसलिए। और मॉर्निंग में इतनी भयंकर वाली बारिश आई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और बिल्कुल उसका अपोजिट थोड़ी देर बाद हो गया, इतनी भयंकर वाली धूप आई कि क्या बताऊँ। तो ये पर्दे पुर्दे खोल देती हूँ, खिड़की भी तो कभी कभी खोल देते हैं हम लोग, कल खोली थी मैंने। कभी तो क्या होता है, थोड़ा सा हवा आ जाती है क्योंकि शीशे लगे हुए हैं ना इसलिए। और अभी मैं सोच रही थी मुझे फ्रिज साफ करना, अभी नहीं, मैं मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि मैं फ्रिज आज साफ करूंगी। फ्रिज बहुत गंदा, बहुत गंदा, मतलब ऐसे गंदा नहीं, मतलब आप लोग सोच रहे पता नहीं कैसा गंदा है। लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे बर्थडे वगैरह था ना, तो केक था वहाँ पे, आइसक्रीम थी, और जो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है। तो जो कि बार बार फ्रिज खोल रहे ना, अच्छा नहीं लग रहा है। मन तो कर रहा है कि साफ कर दूँ, लेकिन फ्रिज खोल, मतलब फ्रिज को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, 1 घंटा तो चाहिए, अगर हम अच्छे से पूरे ग्लासेस वगैरह निकाल के उसको वॉश करें। और अभी 6 बज गए हैं, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं, मुझे डिनर भी बनाना है इस वजह से, और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो अगर मैं इसमें लगी तो 7 बज जाएंगे, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। और खाने की तैयारी ये नहीं कि सीधा हम खाना बनाए ले जाते, तैयारी करने में भी टाइम लगता है ना इसलिए। तो अब मैं इसको कड़ी करूँगी। और इधर तो मैंने साफ कर दिया था दिन में ही, जो वो है ना साइड मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने दिन में ही खाना बनाते बनाते मैंने साफ कर दिया। बहुत हौच पौच हो रखा था उधर ना, कुछ गिरा हुआ था इधर कभी उधर, तो मैंने वो साफ कर दिया था। फ्रिज में मैं सोच रही थी, लेकिन क्या होता है ना, गर्मी इतनी थी, हिम्मत नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी, और मन पूरा था कि मैं पूरा फ्रिज जिससे साफ करूँगी, लेकिन अब कल मैं पक्का करूँगी साफ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना एक दिन में मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं तो आराम आराम से काम करती हूँ, मतलब एक काम करो लेकिन ठीक ठाक, मतलब ठीक से करो, मेरा ये है। तो बस फ्रिज कल साफ होगा, मैं पूरा, ऐसा नहीं कि वो मैट वगैरह ही वॉश करूँगी, पूरे ग्लासेस वगैरह जो है ना उसके सारे वॉश करूंगी अच्छे से, वो है। और बस मैं टमाटर वाले का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली टमाटर मैंने लिए नहीं क्या, तो मुझे पता नहीं चला सब्जी वाला कब आया। मम्मी को तो बिल्कुल ध्यान रहता है इन चीज़ों का कि कब कहाँ पे क्या आता है, मम्मी घर पे है नहीं, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि टमाटर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक सब्जी वाले भैया आए थे, उनके पास टमाटर नहीं थे, तो और टमाटर घर में सिर्फ 2-3 पड़े हुए हैं, तो टमाटर सब्जी बनानी है इसलिए है नहीं। तो मैं इसलिए यहीं इधर की साइड ही हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि कोई सब्जी वाले तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं अंदाज नहीं लगा पाती। मम्मी को पूरा अंदाजा है कौन सब्जी वाले किस टाइम आता है, मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि मम्मी ही लेती है इसलिए। तो ये कपड़े हैं और सूख भी गए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज थी इसलिए, तो इनको मैं ले लेती हूँ। नहीं, थोड़े गीले हैं कपड़े, ये थोड़े थोड़े गीले हैं, अभी रहने देती हूँ, स्टैंड इधर कर देती हूँ मैं।